वैदिक नए ब्लॉग के साथ कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते अच्छे हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस ये वीडियो आपको तो पता है मैंने इसका पे लगा रखी थी कि सबके सवाल के जवाब दूंगी, तो मतलब काफी टाइम से मैं सोच रही थी देने की, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते थे और किसी से बात नहीं हो पाती थी, और पता सब लोग क्या रहता था कि दीदी मतलब रिप्लाई नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो अब कहीं ना कहीं मैंने इसलिए स्टोरी डाली थी, तो सबके जवाब इतने सारे, मैं तो मैया सवाल इतने सारे जवाब मैं क्या करूँगी, और बहुत सारे हैं, मुझे पता भी कितने सारे हैं, जिन जिनके बने उनके दे दूंगी, नहीं तो अगली स्टोरी में दूंगी, ठीक है, जब स्टोरी लगाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है पूजा प्रजापति दीदी का, क्या आपको मुझसे मिलना है, तो तुम रहने दीदी तुम ऐसे करो, ठीक है, 4 साल आई मतलब हम लोग जुड़े हुए, आज हम तक मिली नहीं इनसे, कहते कहते परेशान होगी कि दीदी मिल ले दीदी नहीं मिली। और ऑफिशियल एन ठाकुर का है, दीदी आपकी मैं हर वीडियो देखता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, अच्छी बात, थैंक यू सो मच, आप लोग हैं तो मैं हूँ, आज मैं आता हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह। और रही बात मिलने की आप संडे को आइए तो अच्छा रहेगा, संडे को मैं सबसे मिलती हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सबके जवाब में दे पाऊंगी। और मोस्टली क्वेश्चन ये आया है कि कन्हैया की तबीयत कैसी है, हिमांशु भाई का भी यही चीज़, हिमांशु भाई 575, इनका कन्हैया तबीयत कैसी है, तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बना रहा, तो अभी कन्हैया कम से कम 6-7 महीने रिकवर होने में लग जाएंगे आराम से, लेकिन वो है खतरे से बाहर है, पहले से बहुत ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करो, आप सब ने दुआ की है तो वो ठीक हो जाएगा। रियल सत्येंद्र, सॉरी, कल जूस पीते टाइम मुझे देखा था नदिया के पुल पर जिसमें नगर ब्लू अपाचे पर था, भैया हम जूस पी रहे थे तुम्हें देख रहे, ऐसी बात यार, हम जल्दी मिलने आएंगे, जब भी आओ संडे को आपको वेलकम है, संडे को फ्री भी रहते हैं। दीप्ति यादव द्वारा है, आप तो फेमस हो, भगवान आपको ऐसे ही आगे बढ़ाए, थैंक यू सो मच। और हाँ ये चीज है, सभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये था कि आईडी आपकी चली गई थी तो कैसे खुली थी, ये चीज ज्यादा है, तो आईडी ऑटोमेटिक गई थी, ऑटोमेटिक आई, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, बस जिस आप सबने प्रे की तो जल्दी आ गई थी, ये चीज है, ठीक है। और आप कहाँ से हो, सबसे क्वेश्चन ये है, मैं यूपी टावा से हूँ, देख लो, अरे कन्हैया प्रजापति लफ्स, ये चीज है। हाँ, और सबसे ज्यादा भैया मोस्टली क्वेश्चन यही है कि आपकी शादी कब होगी, मैं कह रही हूँ इतने क्वेश्चन सबसे ज्यादा, मतलब आधे क्वेश्चन ये कि आपकी शादी कब होगी, तो शादी जब होगी तो आपको पता चल जाएगा, चोरी छुपा शादी तो ना कर लेंगे कि कब करें करें, लेकिन शादी ये अब भाई की शादी होने वाली है, बहुत जल्दी में शादी है, और हमारी शादी जल्दी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम, बहुत से लोग लेट शादी करते हैं, मैं जल्दी ही शादी करूँगी, आप समझ लो आप सबके लिए बिग सरप्राइज है। हाँ जल्दी सरप्राइज मिलेगा। हाँ शादी अब समझ लो है ही, है ना। मोहब्बत करनी है तुमसे कैसे करें, जितेंद्र जोशी आप हमसे मोहब्बत करते हो, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है। ऋतिक यादव बिजोर सॉरी, दीदी आप अरेंजमेंट वीडियो क्यों नहीं बनाती हो, देखो मैं इस बात के लेके भी बात करूंगी कि अरेंजमेंट के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाती हूँ, या तो दूसरा जो अकाउंट है मेरा 1.3 मिलियन वाला उस पर, और एक और 8 लाख वाला, उस पर मैं यादव सॉन्ग पर अरेंजमेंट वीडियो बनाती हूँ, और बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये थे कि मतलब तुम यादव सॉन्ग वीडियो बनाती, इन दोनों अकाउंट पर बनाती हूँ और बड़े वाले अकाउंट पर नहीं बनाती, ये चीज़ है, पहले बनाती अब नहीं बनाती, क्योंकि ऑडियंस मेरी हर एक कास्ट की, हर एक कास्ट का सपोर्ट करते, तो कहीं ना कहीं इसमें जेलसी वाली बात आ जाती है, हम अगर यादव करेंगे कोई कास्ट नीचे नहीं होती, 36 बरादरी टॉप है और टॉप रहेगी, क्योंकि सबने मुझे आगे बढ़ाया है। हाँ ये कि हमारे यादव में मुझे गर्व है कि मैं यादव समाज से हूँ, लेकिन ये कि मैं किसी को कास्ट को नीचे नहीं दिखा सकती, ये चीज़ है। प्रमोशन कर दो, प्रमोशन मैं करती रही, बहुत ही कम करती हूँ इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं आता। ये चीज़ अपना नंबर भेज दो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है सनी कुमार, भैया ऐसे नंबर देने लगे तो सेवा सिस्टम खत्म। अंजलि नागर, सब ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा सब लोगों के है कि श्याम आपके कौन है, आपको नहीं कसम सही बताना, पहले तो कसम वसम ये चीज मैं नहीं मानती, क्यों नहीं कसम, ये ब्रांड गाने भाई साथ काम कर रहे हैं, क्रिएटर वो भी क्रिएटर मैं भी क्रिएटर, मॉडल है। हाँ मॉडल, अब किसी के साथ लव सॉन्ग बनाने से थोड़ा ना कि मतलब सेटल मेटल नहीं हुआ, फिर वो मेरी कास्ट का है, अब किस्मत है कैसे क्या होता है क्या नहीं, और दूसरी बात जो ये क्वेश्चन का क्या मतलब बनता है, जब किसी के साथ शादी होगी, किसी के साथ भी होगी तो आपको तो पता चल जाए किसी के साथ शादी हो रही है नहीं हो रही,
ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन की शादी कब है आपकी, और आपकी आपकी शाम कौन है, शाम के साथ शादी होगी या नहीं होगी, शाम के साथ शादी करोगी किसी और के साथ करोगी, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी, कोई क्लियर नहीं किसके साथ करनी है शादी, किसके साथ नहीं करनी है, टाइम बताया किसके साथ करनी है, अभी ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं है कि परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है कि शादी का कोई ख्याल नहीं है। हाँ, शादी का कोई भी अभी ख्याल नहीं है, मतलब शादी है, मैं ये कहूँगी शादी जल्दी है, शादी लेट नहीं है, शादी जल्दी है और जल्दी करेंगे शादी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये मतलब एक होता है ना घर में बातें चलती है कि अब शादी करनी है ये चीज़ है, तो हम अपने पूरे परिवार खानदान में मैं और मेरा भाई बचा है, मेरे तीनों ताल्लुक में, तो इनकी अच्छी शादी है अब जल्दी, उसके बाद फिर मेरी होगी जब भी होगी, तो आपको पता चल जाएगा जब भी शादी किससे होगी, श्याम से होगी या घनश्याम या श्याम सुंदर से होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मत करो, हम अच्छे दोस्त हैं और साथ में वीडियो बनाते लव सॉन्ग की, तो इससे ये चीज़ मत जज किया करो, ठीक है, कमेंट से कुछ जज मत किया करो, क्या पता किसकी पर्सनल लाइफ में कौन हो, क्या पता श्याम किसकी नाम की कौन सी गर्लफ्रेंड हो, क्या मुझे क्या पता भाई क्या कैसे ये चीज़ है, ठीक है, आप इतनी क्यूट को राजा अलवी, थैंक यू सो मच, मैं क्यूट हूँ, अच्छी बात है। आईडी कैसे चालू होगी, हंसी आप तो हंस रहे हो आलोक यादव, होगी तो होगी भैया, उसमें क्या दुआ है, अब जो दुनिया में अच्छे भी लोग बुरे भी लोग, कुछ लोग गलत सोचते हैं कि हाँ आईडी कैसे होगी, आप जैसे सोच रहे हो चल ठीक है, तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, आदित्य यादव आप अपने घर के बाहर वाले गेट पर पर्दा क्यों लगाई हो फोटो वाली, तो वो लगा रखी है क्योंकि बस आई थी प्रमोशन में का लगा दो तो क्या हो गया, लोग पहचान जाएंगे यहाँ ये मेरा घर है इसलिए। हेल देवल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप यादव समाज को ऐसे ही सपोर्ट करती रहेंगी, हाँ करूँगी हमेशा, मैं यादव हूँ मुझे गर्व है और मुझे खुशी भी है, कहीं ना कहीं इतना अच्छा लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और आप लव मैरिज करोगी, मैं किंग ऑफ रमना, मैं लव मैरिज करूँ अरेंजमेंट करूँ, जब करूँगी तो पता चल जाएगा, बहुत सारे ब्लॉग आएंगे वीडियो बनाऊंगे, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, लव करूँ अरेंज करूँ, पापा मम्मी जा कराएंगे मैं करना पड़े ना, तो चले नहीं कह रहे है वो सिस्टम पर ये चीज है। आज तक दिल से कभी किसी से प्यार हुआ है, पी के बैड बॉय, यार यार ये सब छोड़ते हैं, इन सब की बातें मत करो तो ठीक है, पर्सनल लाइफ है। डी एस पंडित संजना आप चुनाव लड़ो राजनीति, तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसती हूँ, और एक बात मैं कहूँ कि मुझे बहुत सिंपल ज़िंदगी पसंद है, इतना वो नहीं है कि इतना हाईफाई जीऊँ, मुझे बहुत सिंपल रहना पसंद है, सिंपल से। हाँ तुम्हारी शादी होगी डीजे वाले बाबू, भैया अभी शादी नहीं हुई मेरी, शादी हुई है जल्दी हुई तब बताएं आपको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वाकई में इतनी खूबसूरत हो या फिर फिल्टर यूज करती हूँ, ये भी डीजे वाले बाबू का क्वेश्चन है, तो आप आओ तो देख लो आके मैं कैसी हूँ कैसी हूँ, जो भी है नॉर्मल दिखाती हूँ मैं। इट्स यदुवंशी आपके पापा हैं कि नहीं, और भाई या सिस्टर भी हैं क्या, नहीं आपको दिखता नहीं है वीडियो में कि मेरे पापा हैं या नहीं, पापा भी हैं, सब पूरा खानदान है मेरा, मतलब समझ लो। इंस्टाग्राम से पैसे कब से शुरू होता है और कितने बीच में आ रहे हैं, ये बहुत लोगों का सवाल होता है, बहुत ज्यादा, तो इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं आता, ऑफिस से सुमित वास्ता, ठीक है जी। आपके जीतेश जी आपके फादर साहब क्या करते हैं, मेरी मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा पूरा परिवार खानदान सब आर्मी में लगवाओ कन्हैया ठीक है अब, हाँ ठीक है लकी अहीर, दिल्ली में घर है आपका, विभू पंडित मैं इटावा से हूँ, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। पांडे साहब का क्वेश्चन है, संजना यार एक बात सच बताऊं, मैं 2-3 बार आपको सपने में देखा, मैंने देखा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, ऐसे ख्वाब मत देखो कोई मतलब ख्वाब देखने से। और एक बात और है, हमारे समाज में हम समाज वालों से शादी करेंगे, मतलब मैं यादव हूँ तो यादव लड़के से शादी करूंगी, हमारे समाज में लड़के कम नहीं हो गए हैं जो मतलब हम अदर कास्ट में शादी करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिन भी नहीं आए। अशरफ खान तुम इतनी खूबसूरत हो या भगवान कसम, दिल आ गया तुम पर, थैंक यू सो मच, दिल आ गया, दिल अपने तक रखो, मेरे पास नहीं आना चाहिए, मैं दिल तुम्हें अपना नहीं दूंगी। और मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, लव सिमी यादव, थैंक यू सो मच, आप बहुत क्यूट हो। गजेंद्र मौर्य इनको मैं जानती हूँ और बहुत अच्छे हैं ये, बहुत बढ़िया है, सपोर्ट करते, थैंक यू सो मच। संध्या खुशबा दी मैं आपसे टावा मिलने आऊंगी तो आप वीडियो फोटो के लिए मना तो नहीं करोगे, या संडे को आइए कोई वीडियो बनाओ कोई फोटो बनाओ, कोई मना नहीं, सुबह से लेकर शाम तक संडे को बहुत भीड़ लग रही थी, अन्य दिन भी आते हैं लोग, ये है कि उनसे मैं सही से नहीं मिलती, ये चीज़ है क्योंकि मुझे संडे को टाइम मिलता है, एक दिन मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है, तो ऐसा मत सोचा कीजिए कि मैं मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, ठीक है,
बगुल आपका वीएफ कौन है तेरा? लला संतरी तमीज सीख लो बात करो, सऊद तैन है वो बात कर रहे हो। आशीष यादव आप छोटे कपड़े सिस्टर रील पोस्ट मत किया छोटे कपड़ों में, तो मैं आपको बताऊं कि मैं छोटे कपड़ों में वीडियो पोस्ट करती नहीं हूँ, और इतने छोटे कपड़े ना मेरे घर वालों को पसंद है ना मैं खुद पसंद करती हूँ, मैं खुद एक अनकंफर्टेबल फील करती हूँ भैया, मुझसे नहीं होता, मुझे वही सारा जीवन ऊंचा बिचार पसंद है। अंकुल सिंह आप इतनी फेमस कैसे हुए, आप यूपी में कहाँ से? मैं यूपी इटावा से हूँ, फेमस की बात ऐसी मैं ये कहीं ना कहीं आप लोग जाने, फेमस नहीं हुई हूँ मैं, लोग जानते हैं इतना। ठीक है यादव आप आजकल कुछ अलग वीडियो बनाते हो, मुझे लगता है आपका अकाउंट किसी ने ले लिया है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अकाउंट मैं ही चलाती हूँ और मेरे अंशुल भाई चलाते हैं मेरा अकाउंट, तो अकाउंट का यूज़र नाम अगर चेंज कर दिया तो मैंने खुद ही चेंज किया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अकाउंट में, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि और चलाता है क्या नहीं। आज ही सेटिंग करोगे आई लाइक यू, जो दुनिया को सवाल है आई लाइक यू, लेकिन संजना एक मिलेंगी बलुआ आएंगे सवे पवा से सवे समझा ऐसा। हाँ इट्स आर्ट्स, जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनके बारे में उनकी औकात में जवाब जरूर देना, तो मैं ये कहना चाहूँगी गलत कमेंट वाले के लिए कि तुम्हारा मुँह तुम बको और बकते रहो, मुझे इसी से फर्क पड़ता है। मैं जी मेरे लिए मेरी फैमिली मैटर करती है, मेरी फैमिली मुझे दिल जी जान से प्यार करती है, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला इतना प्यार करने वाला, मेरी मम्मी मौसी इतना प्यार करती है मुझसे, हर कोई मेरे घर में इतना देख देख के मुझे रहती है, मेरा भाई तो मुझ में मतलब देख देख के रहता है, तो बहुत खुश नसीब हूँ मैं। तो ये मत सोचिए कि लोग है करने दो, मैं अपनी फैमिली के लिए जीती हूँ, फैमिली के मन से हर काम करती हूँ, तो वो मेरे लिए मैटर करते हैं, और जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लोग मुझे मैटर करते हैं और कुछ नहीं। अरुण पंडित लव यू आर कंटेंट, हमारे इटावा का नाम रोशन कर दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, आप छोटे लग रहे हो मुझे, और तो ये है कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो और आपने कहा कि इटावा का नाम रोशन कर दिया, तो अच्छा लगता कहीं ना कहीं शहर के नाम से हमको जाना जाता है कि इटावा की वो लड़की है, इटावा की वो लड़की है, तो बहुत खुशी होती है चीज़ को लेकर, थैंक यू सो मच। हाँ एक क्वेश्चन है, हसीन बोलती पब्लिक एज मेरी क्या है, और बहुत से लोग अपनी एज गलत बताते हैं कि मैं इतने साल की है इतने नहीं, तो मैं उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कभी अपनी एज नहीं छुपाना चाहिए, है ना, जो एज है। अब मैं 21 मार्च को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं 22 साल की हो जाऊँगी, 22 की हो जाऊँगी, 23 में पढ़ जाऊँगी, है तो 22 की होगी तो भैया 22 की बताऊँगी, ये चीज़ है मेरी शुरू से रही है, मैं रियल एज बताती हूँ, और जो भी है भाई सबको रियल एज ही बतानी चाहिए। विकास 01 दीदी आपका फेस बहुत क्यूट है, और मैं आपको बहुत जल्दी मिलने आऊँगा, थैंक यू सो मच ऑलवेज सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और सुमित राव साहब 24 वर्ष में कॉलेज में कब तक पढ़ोगी, पढ़ेगी कोई उम्र खत्म नहीं होता है, जब तक पढ़ जाओ, इतनी डिग्री ले लो उतनी कमाई है, पढ़ाई हर चीज़ में हिस्सा बांट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में हिस्सा बांट नहीं हो सकता, तो ये चीज़ है ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शिखर गुप्ता आपके पापा कुछ कहते नहीं वीडियो बनाती हूँ, कैसी मेंटलिटी है, आप मेरे इंटरव्यू देखोगे, पहले तो सच में बहुत दिक्कत थी घर में मेरे, और अभी तक दिक्कत थी, लेकिन अब सब ठीक है और पापा समझते भी, अब जो मेरा पूरा परिवार खानदान आर्मी फैमिली में है, तो सोचो मुझे कितनी दिक्कत होती होगी इस चीज़ को लेकर शुरू में, लेकिन अब मेरा परिवार मुझे खुद, अब कहीं जाते हैं ना तो पापा खुद कहते हैं कि वो जा संगे फोटो खुलवा, जा संगे फोटो खुलवा, तो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, उनको दिख रहा है कि मेरी लड़की आगे बढ़ रही है, तो ऐसी मतलब कि मेंटलिटी मत रखो ठीक है बिल्कुल भी। दीदी मुझे फॉलो कर लो गुलशन यादव, ये चीज़ तो बेकार है, मतलब फॉलोअर बढ़ा दो, ये सब तो बेकार है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आशीष लोधी यादव जाति पे कलंक हो तुम, मैं अच्छी भी कमेंट पढ़ रही हूँ बुरे भी पढ़ रही हूँ, अच्छी बात है, मैं कलंक हूँ तो तुम मत देखो भैया, मुझे मत देखो, सब बात की बात है ठीक है, मैं अपने घर वालों के लिए बहुत जरूरी हूँ, जिनको हम पसंद नहीं वो अपने नेत्र दान कर सकते हैं, सीधी बात जी है, लेकिन डोंट गलत कमेंट मत करो, सब बात की बात है। शादी कब कर रहे हो आपको किस लड़की, ये तो क्वेश्चन मैं करी आधी कमेंट भाई इसी चक्कर में, शादी कब कर रहे हो और आपको किस लड़की का लड़का पसंद है, शादी अब घर वाले पसंद कर रहे हैं लड़का तो कर ले जो कुछ हुए ठीक है, शादी जल्दी करेंगे ये चीज। वंश गुप्ता रौनक भाई आपके क्या लगते हैं, आपके पास रहते हैं, रौनक जो है मामे का लड़का है और जस्ट घर के पीछे रहते हैं, हम लोग साथ में सारे ही मतलब वीडियो बनाते हैं, तो फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। कल्पना मौसी जी आपकी कौन है, हु इज कल्पना आई डोंट नो। सूर्य प्रताप रवि से क्या झगड़ा हो गया था, रवि के साथ वीडियो नहीं आ रही बहुत दिन हो गए,
जो क्वेश्चन, अच्छी बात है आपने ये चीज पूछी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो चार बर्तन है खटकते तो है कहीं ना कहीं सबके आसपास में, आपस में होती है चीज, ऐसी कोई बात नहीं भाई है, सब सब ठीक रहे। मैं तो कहती हूँ सब खुश रहे भाई, अच्छे रहे, मुझे किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से भी नहीं है। मैं बस इतना है कि मुझे लोगों की दुआएं चाहिए और बस ये कि बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और सबका प्यार चाहिए, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं लगनी है, बस बात खत्म। आकाश यूपी, आप गरीब लोगों की मदद करती हैं या फिर अमीर लोगों की? भैया जी कैसे क्वेश्चन है भैया, हैं जाहिर सी बात है किसी के पास कुछ नहीं होगा, दिलवा जी मेरी इतनी औकात है उस हिसाब से मैं कर देती हूँ भैया। मैं तो नहीं है ना, अब पैसा कमा रही तो खुद की बहुत ज़रूरतें होती हैं, है ना, और कहीं ना कहीं यही हो जाता है कि अब मैं कमा रही तो घर वालों के लिए कुछ करूँ, ये चीज़ है। तो ऐसा कुछ भी मतलब, दीदी आपके पापा की तबीयत कैसी है? राख यादव, पापा की तबीयत ठीक है, ऑपरेशन हुआ था वो, थोड़ा पथरी का, और कोई दिक्कत नहीं थी। फेस पर क्या लगाती हो? साधना वर्ग के, मैं कुछ भी नहीं लगाती, हिमालय फेस पर से मौत होते हैं तो मैं बताया सीधी बात, और ना वो कोई फिल्म मेकअप करवाते हैं ना कछु नहीं, मतलब मुझे मेकअप करना भी नहीं आता बिल्कुल भी, और बहुत नॉर्मल रहती हूँ मैं। और कभी आप मेरे घर पे आओगे तो लोग कहते भी है, ऐसे लोग मिलने आते तो मैं बाहर झाड़ू लगा रही होंगी, तो दीदी तुम झाड़ू लगाती हो, तो मैं बहुत मतलब मैं मुझे खुद लगता है कि बहुत उस तरीके की हूँ मैं, मुझे पसंद ही नहीं है इतना वो शो ऑफ करना है कुछ भी, कि नॉर्मली ठीक है यार, ठीक है। अब जैसे अब किसी की, मैं तो मेरी ऐसी आदत है कि बगल आसपास में कहीं बैठी हुई, वहाँ खाना बनाऊँ, वहीं रोटी खाए, हमको नहीं लगता ठीक है भाई, अच्छी बात है। प्रतीक यादव, आप सोशल मीडिया से कितना पैसा कमाती हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बता दूं, सोशल मीडिया से कोई एक परफेक्ट इनकम ही होती है कि हाँ एक ऐसी इनकम होती हूँ, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इतना कमा लेती हूँ, खुद के खर्च उठा लेती हूँ और थोड़ा बहुत घर वालों के लिए कर लेती हूँ। लोग ये समझते हैं कि संजना जन कितना कमाती है, ऐसा कुछ नहीं है, सच में कुछ भी नहीं, इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आता, जो भी आता है यूट्यूब और फेसबुक से आता है, तो बस ये चीज़ है। हमारे साथ हरियाणी सॉन्ग में काम करूँगी, आप बताओ। नरेश से सॉन्ग मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ अभी, और अब सॉन्ग करती हुई तो कुछ अच्छे लेवल का करना चाहिए, क्योंकि अब इतना नाम आम है तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। यादव का नाम डुबा रही हो, चंद्रशेखर जी, अच्छी बात है, डुबा दिया तुम उठा दो, अपनी बिटिया तो उठवा दो, डोंट बकवास नहीं मेरे सामने। मेरी इंस्टा आईडी अंकित कुमार जी हैक नहीं हुई थी, किसने कहा हैक हुई थी, वो दिक्कत आ गई थी, सबके अकाउंट में दिक्कत आ रही है बहुत से लोगों के, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फरुखाबाद कब आओगे यूपी पुलिस? मैं जब भी आऊँगी तो पता चली जाता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं स्टोरी डाल देती हूँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये, आप बहुत क्यूट हो, आपकी क्यूटनेस बहुत, आपकी यही सबसे ज़्यादा क्यूट हो, आप सुंदर बहुत हो, ये सब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन है, तो इनके क्वेश्चन का एक एक चीज़ मैं जवाब नहीं दे सकती, उसके लिए सॉरी, उस सबके लिए थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन, आपकी लाइफ कैसे चल रही है? ठीक ठाक चल रही है लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते, कभी खुश कभी गम, ये चीज़ें तो कभी खुशी कभी गम, ठीक ठाक है सब चल रहा है। जय यादव, आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी आईडी वापस हुई बहन जी, आप सबका सपोर्ट है, बड़ों का आशीर्वाद है उसकी वजह से। हाँ बहुत अच्छा ही क्वेश्चन, अभी यादव आपकी फेक आईडी बहुत चल रही है, गंदे गंदे सॉन्ग लगा रहे हैं आपके रील पर जी, आपने क्वेश्चन बहुत सही किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इस बारे बात भी हो जाएगी। तो फेक आईडी के लिए ये है कि लोग हैं बदतमीज बना देते हैं, देने तो उनको उसी से फर्क पड़ता है, आप लोग ध्यान दो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत आगे जाऊंगी। बस है ना, जो लोग बराबरी नहीं कर पाते वो बदनामी करना शुरू कर देते, वो चीज़ है। तो बस फेक आईडी बना के लोगों की नज़रों में मेरी इमेज ख़राब करना है, ये चीज़ है। तो जो लोग तो गांव से होते हैं उसे नहीं समझ पाते, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। बाकी समझिए, मेरी फेक आईडी पर ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से, आप लोग कभी आए तो आपको समझ आएगा। और अगर मैं वीडियो बना रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी वैसी फैमिली से हूँ, आप कभी आप मेरे घर परिवार से मिलो तो पता चलेगा आपको कि मैं कैसी फैमिली से हूँ। मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये सब चीज़ मेरे लिए शोभा नहीं देती, और ना ही मैं ऐसा कुछ काम करूँगा, और मैं यादव समाज से, ये चीज़ भी है। विवेक कुमार, आप अपने आपको फिट करने के लिए क्या डाइट फॉलो करती हूँ? पहली बार बता दूँ, मैं कुछ भी खा लूँ कुछ भी, लेकिन मैं मोटी नहीं होती हूँ, समस्या जी है। और मैं कभी ये आप लोग सोचते हो कि मैं अपने आप को पता रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हल्की थोड़ी बहुत मोटी हो जाऊँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लड़कियाँ तो पतली अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ी बहुत मोटी हूँ, बिल्कुल फर्क नहीं। अगर मैं एक दिन जैसे एकादशी का व्रत रखती हूँ हमेशा महीने में दो बार, तो उससे ही मेरा चेहरा बहुत लटक जाता है, एक चीज़ बता रही हूँ आपको। तो मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, स्लिम बॉडी है मेरी, मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती हूँ, मुझे जो मिले सब खाती हूँ मैं, ये नहीं कि ये डाइटिंग पे फला नहीं जो कुछ वो सब खा रही है वो तो। हाँ फरहान डीजे, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस माई क्यूट सिटी, थैंक यू सो मच फरहान, आपने
इतना मुझे विश दिया अभी से, तो मेरे 21 को बर्थडे है, तो सभी आप लोग विश करना। विश करो, और जितने बड़े बूढ़े देख रहे सब मुझे आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद बस चाहिए और कुछ नहीं। हाँ मोक, अगर मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता लेके आऊँ तो मुझे तो हाँ करोगी भैया? हमको 3 मिनट दे रहा हमें, मम्मी पापा हाँ करेंगे, करना है या नहीं करना है? ठीक है तो, और इनकी मुझे काश का पता नहीं, और मैं आप बता दूँ, मैं यादव समाज में ही शादी करूँगी क्या? हाँ निशी अधवंश, तुम हमारी रील आप ज़्यादा अच्छी नहीं बनाती, ज़्यादा लोग इसलिए कम सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अगर मैं ये यादव सॉन्ग को वीडियो बनाऊंगा तो आपको पसंद आएगी, ठीक है? नहीं बनाई तो नहीं पसंद आ रही है, तो आप सबकी मन की नहीं कर सकते ना, ये चीज़ है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उठ जाएंगे, बस मेहनत जारी है, फल तो भगवान देता है ना, आप लोग दे रहे हो, जो आपने पसंद करनी तो और कोई ना कोई तो पसंद करेगी मुझे, है ना, ये चीज़ है। नर्सिंग में बी कॉम कर रही हो क्या? आदित्य राजपूत, हाँ मैं बी कॉम लास्ट ईयर है मेरी। आई एम मैं क्या था, क्या करूँ मैं आपकी खूबसूरती खूबसूरती का मेरी लाडू रानी डियर, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। अच्छी बात, थैंक यू सो मच। छोटा बलन कौन है? किंग आदिल भाई है, सब भाई है, सब बहन है मेरी। आप मंथली कितना कमा लेती हो? किंग आदिल पता नहीं भैया कितना कमा लेगा, चुप 10 लाख नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, कागल तो अटक दे रहे लोगों ना, तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं, लोगों के बहम है। मैं बता दे रही हूँ, बता है खुद को खर्चा निकाल लेती हूँ, तो और ज्यादा कुछ नहीं कमाती हूँ। कौन सी क्लास में आप स्टडी कर रही हो? गुप्ता जी मैं बी कॉम कर रही हूँ, लास्ट ईयर में बी कॉम हो जाएगी। आप बॉलीवुड सॉन्ग पे वीडियो बनाया करो, परफेक्ट स्माइल। आपको एक बात बता दूँ, मेरा कोई कंटेंट नहीं है बहुत से लोगों का, मेरा तो ऑल इन कॉमन कंटेंट है, कुछ भी बना दूँ सब उल्टा सीधे चल जाता है, ज़्यादातर वैसी वीडियो चलती है, मतलब जो मैं कभी सोचती नहीं वो वीडियो चल जाती है मेरी। आपने देखा होगा रावी से वीडियो चली, अम्मा अम्मा बना रख दिया, और वीडियो मैंने कम 10 बार वीडियो बनाई, 10 बार मिलियन में लाइक है उस पर, तो वो चीज़ है, ठीक है? तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। ये श्लोक याद, आपकी एंगेजमेंट हुआ? एंगेजमेंट हुआ नहीं, लेकिन होगा जल्दी, तब बताएंगे आपको, ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं, तेरी आईडी ओपन हुई कृतिका शर्मा, तो भाव बढ़ गए तेरे, दे जवाब अब तो तुम मोह पूर्वक जो कहना है कृतिका जे शर्मा को ये नहीं पता कि किसी लड़की के लिए एक लड़की कैसे बोल रही है, गलत बात है। तो लली जो कहना है ब्रांडो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भैया तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ, भाव क्यों बढ़ेंगे भाई मेरे? आप लोगों से एक बात पूछूं, क्यों बढ़ेंगे भाव मेरे? जैसी थी तब हूँ, और ऐसी आज जिंदगी भर रहूंगी। थिंकिंग है लोगों की, जाने दो। समीक्षा यादव, आपका गांव पूरा चौधरी कब जा रहे हो? गांव भी एक ब्लॉग दिखाना मासी जी। अच्छा ये मेरे रिलेशन में है, तो गांव का ब्लॉग पहले बनाया था, लेकिन अब जाऊंगी दोबारा तब बनाऊंगी। बाकी मैं कल ही गई थी अपने परिवार की शादी में, थक गए नीचे कल होने तो। सक्सेना 4 मिलियन जल्दी कंप्लीट करो दीदी, होंगे धीरे धीरे होंगे, अभी अकाउंट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि अकाउंट इतने दिन के लिए बंद रहा है ना मेरा, तो अकाउंट की रीच बहुत ज्यादा गिर गई है, अब जब भी उठेगा तो एकदम ही उठेगा, तो बस सपोर्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये मेरा चेहरा आप लोग भी चल रहा है वो चीज मेरे लिए बहुत है, अब इतना मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कितने मतलब मिलियन हो मेरा या नहीं क्या है हो। क्या नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे पहचानते हो, चीज़ बहुत ज़्यादा है, और इंस्टा से कोई पैसा नहीं आता तो मैं आप इंस्टा पे इतना दिमाग नहीं लगाती हूँ, चीज़ है, क्योंकि पहले मैं देख देख के रहती थी उसको, अब इतना मेरा नहीं रहा उसमें इंटरेस्ट, ये है कि वीडियो बना के डाल देती हूँ। ब्राह्मण गर्ल, विच इज़ योर फेवरेट फूड? गुड़म बताए तो मैं, हमें कैसी चीज़ पसंद है? हमें कटहल पसंद है ना, कटहल पसंद है, और ज़्यादातर मैं चावल खाती हूँ, तैरी तैरी मुझे इतने पसंद है, मतलब बहुत पसंद तैरी, कहीं भी आप आओ मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, बहुत टेस्टी, मुँह में भी पानी हल्ला है मेरे। तो ये चीज़ मुझे आप पसंद है, मैं मतलब हजार सभी चीज़ खा लेती हूँ, और लोग करेले पसंद नहीं, मुझे करेला बहुत पसंद है, मुझे बहुत रोटी के साथ घी चोबर खाओ बहुत बढ़िया लगाता है। आपने कार कहाँ से ली? टाइगर सवा यादव, मैंने इटावा से कार ली है, हुंडई एजेंसी से, ठीक है जी। चौधरी साहब तुम केवल यादव लोगों के लिए वीडियो बनाओ तो ऐसा नहीं हो सकता भैया, हम सभी के लिए वीडियो, मतलब कि कास्ट के ऊपर मैं वीडियो पहली बार बनाती नहीं हूँ, और मैं किसी कास्ट को नीचे नहीं दिखाना चाहती हूँ कि सासों बिरादरी हमारी एक समान है, हाँ 36 बरादरी वाली, 36 बिरादरी। हाँ वही चीज़ है, तो ऐसा नहीं मतलब कह सकती बिल्कुल। और मोस्टली क्वेश्चन यही करना चाहिए, तबीयत कैसी है? तो बता अच्छी है, चुके ठीक हैं। है। आर के जी यादव इन्फ्लुएंसर में एक आप और एल्विस भाई बस यही अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा कमेंट, थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है कि आप मतलब समझते तो ये चीज़ है। जब भी कभी आएंगे इट्स सलोनी जी, जल्दी आएंगे,
तेवेश यादव आपकी आईडी पे ब्लू टिक लगा था वो कहाँ गया? ये बात आपने सही पूछी, ब्लू टिक हट गया किस रीजन चक्कर में, क्योंकि मैंने यूजर नेम चेंज किया तो वहाँ ब्लू टिक हट गया और लोग कह रहे 699 रुपये नहीं पूजे। तो भैया इतनी गरीबी नहीं आएगी हमारे पास कि 600, अभी वो है कि वेटिंग लिस्ट में है तो पता नहीं कब तक लगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़ है। अभी यादव कुछ ज़्यादा नहीं दीदी, एक बार मैसेज का रिप्लाई कर दो। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं ऐसे तो क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ, ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ। सबसे ज्यादा तो यही है कि संजना आई लव यू, संजना शादी कब कर रही हो, ये कौन है आपके, ये चीज ज्यादा, कितनी मंथली इनकम है, तो ये सब चीज ज्यादा है। आपका अकाउंट मैं होल्ड कर लूँ, रिकवरी आईडी है सब कुछ, तो मैं आपको बताऊँ कि अंशु भाई सब कुछ वही देखते हैं और वो बहुत मेरे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है और ठीक है भाई, उन्होंने बहुत मुझे यूट्यूब पे आगे बढ़ाया, हर चीज़ मेरा सपोर्ट करते हैं और भाई हैं तो भाई बहन का सब चीज़ समझते हैं कि हाँ मेरी बहन कवर हो रही है क्या कर रही है, जैसे मैं परेशान होती हूँ तो वो भी परेशान हो जाते हैं। हाँ इंस्टा आईडी का क्यों नेम चेंज किया, मेरे नाम से 1600 अकाउंट हो गए थे, आप लोग बता दूँ, क्यूट सिबलिंग लव, इस वजह से मैंने चेंज कर दिया, बहुत दिक्कत आ रही थी अकाउंट पर। मेरे साथ आप वीडियो बना लो राम राजपूत राव, आइए घर पे तो हम बना लेंगे, ऐसे सबके साथ वीडियो बनाते हैं। इट्स नो रिप्लाई नहीं आएगा, बट मैं पूछ लेता हूँ कि आप अरेंजमेंट की स्टोरी के लिए पैसा मांगती हो कास्ट पर आपकी? अरे भैया ने शर्म कर लियो, जो इंसान 50-60 हज़ार रुपये तक तो कमा ही लेते हैं, बाद में 2000 रुपये हमको पैसा वाले बन जाएंगे कम है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी आप लोग बोलते हो कि पैसे मांगते हो, आपके पास क्या प्रूफ है, किसी ने कुछ कह दिया, हम आपके बारे में कुछ कह दे तो लोग मेरी बात मान लेंगे, तो वो चीज़ आप गलत जाओगे नहीं हो जाओगे ना, आपको पता हो कि आप कैसे हो कैसे नहीं, तो ये चीज़ मत को। मैं अच्छी फैमिली से हूँ, इतनी गरीब नहीं आई, मेरे कि मतलब संजना जी राधे 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 राधे, तो फालतू की बातें मत किया करो ठीक है जी। यादव आप ब्लैक धागा क्यों पहनती हो कमर पर? धागा वाली बात सही तुमने छेड़ी, धागा मैंने इसलिए बांधा था क्योंकि जैसे मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो ये मेरी ये चीज़ें चढ़ जाती है यहाँ पे, ये चीज़ चढ़ जाती है इस वजह से, और सब ने समझ लिया संजना फैशन में धागा बांधे हैं, तो सब ने फिर देख के बांधा मुझे, बहुत सी लड़कियों, एक नहीं पता नहीं कितने लड़कियों ने देख के बांधा, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं फैशन मानती हूँ कुछ भी, ये चीज़ मुझे दिक्कत हो जाती है। और पैरों में बांध देव, पैरों में भी बांधती हूँ मैं, तो बस ये कि मतलब मेरे पैर की ये नसें चढ़ जाती हैं उतर जाती हैं, ये चीज़ है तो मुझे दिक्कत है और कुछ नहीं है ठीक है। आप शादी कब कर रहे हो भैया? ये चीज़ बोल यदुवंशी सर, आप शादी कब कर रहे हो, आपका पार्टनर कैसे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, जो मुझे समझे वो चाहिए मुझे सब बात की बात जी। तो गाइस अब मैं इतने जवाब नहीं दे पा रही, मैं खुद थकी हूँ, पता नहीं कितने हैं, मतलब कोई वही नहीं है कि इतने हैं, इतने सारे हैं, मैं परेशान हो गई हूँ, मतलब मैं थक गई हूँ कुल मिला के, परेशान हुई, परेशान होती तो आप लोगों के लिए वीडियो क्यों बनाती। अब जो जो मेन मेन क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए ठीक है, लेकिन उसके बाद अब मैं जो एक मिनट क्वेश्चन देख के अच्छे लगे काफ़ी, लेकिन सबके मोस्टली एक जैसे क्वेश्चन थे, आप बहुत क्यूट हो, ये सब तो थैंक यू सो मच, क्यूट समझते हो मुझे, जो भी अच्छा समझते हो, और बहुत से लोग बुराई बोलते हैं कि है, बहुत से लोगों ने तो गंदे गंदे बोल रखा है, तो मैं आपको बताऊँ तो आप हंसोगे, और मेरे पास ऐसे जवाब है क्या सच में हंसोगे कि ये बोलते कैसे, जैसे मुझे उन लोगों के मुँह लगने नहीं है। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन थे ज़्यादा मैंने सब पढ़ दिए, कि आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि आप शादी कब कर रही हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा, शादी कब कर रही है, आपकी शादी कब है, शादी हो चुकी है नहीं, शादी के लिए बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी शादी जब करूँगी तो मैं बता दूँगी आपको कब शादी कर रही हूँ, तो मैंने आपको यही बताया कि मेरी भाई की शादी अब जल्दी में है, उसके बाद ही शादी होगी मेरी, तो मैं बता दूँगी जब भी होगी तो आपको बता दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, शादी करूँगी तो सबको पता चलेगी और ज़्यादातर मैं जितना होगा। गाइस वीडियो कैसी लगी आपको, क्वेश्चन बहुत सारे थे, मैं सबका जवाब नहीं दे पाई, सबके एकदम मतलब सेम जैसे क्वेश्चन थे तो वो भी मैंने नहीं दिए सबके, मतलब 10 क्वेश्चन एक जैसे तो एक का जवाब दिया है मैंने, और बाकी जो मोस्टली मेन मेन क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे वो बता दिए, बाकी मैं किसी दिन दोबारा से आऊँ तब मेन मेन क्वेश्चन आप लोग पूछना सही सही बात, तो मैं आपको बताऊँगी, अभी ना आप लोग वही फालतू क्वेश्चन कर भी रहे हो कि तो उस चीज़ से मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो जो जो मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया और सबके जवाब नहीं दे सकती थी, जिनका नहीं बोल पाई सॉरी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। Bye bye. Love you. Bye bye.